सारा पिक्चर बना रहे हैं। नहीं, वहाँ के लोग तो चाहते हैं कि जो है लोग पता नहीं लगता किन्ने बजे आई, ये तो पता लग जाए किन्ने बजे आई तो किन्नी सवारियां आई। 150 सवारी आई है टोटल, पता लग जाए 148 आई है कुछ। साबरीन बेगम, हमारा तो यही है, हम तो इंडिया के ही पड़े हैं और इंडिया ही में आते जाते रहते हैं और हमारा पाकिस्तान भी यही चाहते हैं कि हमारे 10 वहाँ पर हैं, 10 यहाँ पर हैं, तो हमें तो मोहब्बत और हमारे सारे पाकिस्तानी जितने भी हैं यही चाहते हैं रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे बहन भाइयों से हम मिल लेते हैं आराम से, और हमारे सारे मुसलमान जितने भी हैं वहाँ पर सभी रहते हैं, सभी खुश हैं, ये समझौता बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले बंद हो गए थे कि हमारे वालिद गुजर गए, हमारी माँ गुजर गई, हमने शक्लें नहीं देखी, इसलिए सब कहते हैं कि ये रास्ता खुलना चाहिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं हो जिससे हमारे दिलों को दुख हो, हम साल में दो साल में चले जाते हैं एक दूसरे से मिलने, तो सबका यही है, जितने भी हमारे बहन भाई हैं सब यहाँ वाले भी और वहाँ वाले भी सब कहते हैं इंडिया से हमें मोहब्बत है, हर चीज़ खाने में पीने में, और वहाँ पर भी यही कहते हैं आते जाते रहते हैं एक दूसरे से मिलते रहते हैं, हमें तो ये कोई भी तकलीफ़ नहीं है और ये बंद भी नहीं होनी चाहिए, और ये जो अभी ये चला है मामला, इसमें भी दुआएं कर रहे हैं सब कि अल्लाह ताला कुछ भी नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी बाप चले जाते हैं माँ चले जाती है, कितना गुजारा होता है क्या होता है, ये होना नहीं चाहिए। मैं कराची से आया हूँ, मेरा नाम सैयद शाने अब्बास नकवी है, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि दोनों बिरादर जो हमेशा मिलजुल कर रहे हैं, ये जो है मतलब किसी किस्म का क्राइसिस ना हो, वहाँ तासुर यही होता है कि ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर क्या स्थिति है? कोई खास बात नहीं, जैसे रोज़मर्रा काम है बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं, सहम का माहौल बना हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल माहौल है। देखिए हमारे यहाँ हमारी औरतें आ रही हैं, कोई मतलब वो नहीं है, जहाज से भी आ रहे हैं, बस से भी जा रहे हैं और बाई ट्रेन भी, आपने देख लिया कितने लोग आए, बहुत से, देखिए खानदान कट जाएंगे, हमारे खानदान डिवाइड हो गए हैं वो कट जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, इसको कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए और ये जो मिलन है ना ये जारी रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जंग, वहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि जंग ना हो। कनीस फातिमा, वैसे मैं इस वक्त कराची से आ गई हूँ, रहने वाली अभी कराची की हूँ, मगर हैदराबाद में इंडिया तेलंगाना में मेरा ससुराल है, तो मैंने बेटियों की शादी भी यहीं पर अपने ससुराल के पास ही की, खौफजदा माहौल है, आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, एक ही मुल्क था पहले, अब दो हिस्सों में बढ़ गया है, आपस में मिल बांट के गए वो अच्छा रहता है, आवाम के लिए भी हुकूमत के लिए भी, हुकूमत अपनी तरक्की की तरफ दे, इतने पैसे हैं ना फौज के पीछे दोनों मुल्क लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा, कोई ख़तरनाक ही बात है, कोई अच्छी बात तो है नहीं, ये कि है ना हर वक्त जंग में पैसा ठोसा जा रहा है, हर वक्त है ना आवाम को परेशान कर रहे हैं, दोनों तरफ यही हो रहा है, क्योंकि मैं अभी जाके 2 महीने हुए हैं यहाँ से, और इससे पहले मैं हैदराबाद में रहती थी। नहीं नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, आपस में बैठ के बातचीत करेंगे क्या है क्या नहीं है,
की वजह से ये सब टेंशन हो गई है। वो एक माध्यम बना, हाँ माध्यम बना हुआ है ऐसे। हाँ बिल्कुल चलती रहनी चाहिए। एक तरीके से आपस में मोहब्बत और प्यार मिलेगा, एक दूसरे का खानदान एक दूसरे के पास आएगा जाएगा, इससे हुकूमत को भी तो फायदा ही होगा ना। मैं मेरा गुलनाज बानो नाम है, मैं हिंदुस्तान से शादियों के गई हूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि दोनों मुल्क एक दूसरे से मिलजुल के रहे, क्योंकि जो लड़कियाँ यहाँ से शादी होकर जाती हैं ना, उनको पता चलता है जब ये जंग छिड़ती है, लड़ाई होती है, तो हमारी जान निकलती है। अल्लाह ना करे या हम लोगों के दोनों मुल्कों के दौरान कभी लड़ाई झगड़ा हो या कभी ऐसे कुछ हो। मेरी तो दुआ यही है कि हमेशा हम दोनों मुल्क मिलजुल के रहें। वहाँ के लोग अब ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन अभी हम रास्ते से आ रहे हैं, हम पाकिस्तान से ही आ रहे हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल था हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों का। ट्रेन चल रही है, बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कभी भी नहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान से जो लड़कियाँ पाकिस्तान शादी कर गई हैं उनका भी एक ऐसा रूल बनाना चाहिए कि उनका वीज़ा पासपोर्ट, यानी अगर कभी ऐसा दोनों मुल्क के बीच अगर तनाव हो तो जो लड़कियाँ शादी होकर गई हैं जिनको नेशनलिटी मिली है उनका आना जाना रास्ता नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि कभी हमारे माता पिता बीमार हो कुछ हो तो हमें आने जाने की इजाज़त देनी चाहिए। मैं तो यहाँ से शादी हिंदुस्तान से शादी होकर, ये मेरा मैका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान मेरा ससुराल है।